उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और ऐसे में चुनाव को लेकर तैयारियां भी कर रही हैं, वहीं आने वाले चुनाव को लेकर लोकदल पार्टी कितनी तैयार है ये जानने के लिए हमारे संवाददाता दानिश वारसी ने लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल के सुनील सिंह जी। सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनाव में कमर कस रही हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोक दल की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि शिवपाल यादव समेत कई पार्टियां हैं जो अपने अपने दावे ठोक रही हैं। सुनील सिंह से पूछेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या जाति समीकरण रहेगा चुनाव पर, अक्सर लोग चुनाव पर जाति समीकरण देखते हैं। सुनील सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़। देखिए, जैसा भी आपने बताया कि जातियाँ समीकरण देखते हैं, तो आज पूरा चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो उत्तर प्रदेश में, तब भी वही काम होता था जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। आज अभी कई साहू और वो क्या नाम है तेलियों का सम्मेलन हो रहा है, कहीं पहले चौरसियों का, कुशवाहों का, मल्लाहों का, इस तरह से बिरादरियों के नाम पे समाज को जातीय समीकरण वो बना के सम्मेलन किए जा रहे हैं जो देश हित में नहीं है। लोकदल किसानों की बात करता है, चौधरी साहब शुरू से कहते थे देश को जातियों में नहीं बांटना चाहिए, लेकिन ये आज की चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सिर्फ प्रदेश को जातियों में बांटकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी की समस्या कल भी प्रदेश में विकराल थी, आज भी विकराल है। आज किसान तो पिछले एक साल से धरने पर बैठा ही है, समाजवादी पार्टी के समय में भी परेशान था और आज भी किसान परेशान है। आज प्रदेश को एक जो ये कहते हैं जिस तरह से चाहे अखिलेश हो चाहे भाजपा हो, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही से प्रदेश बर्बाद होना है। प्रदेश को एक नए विकल्प की तलाश है, एक नए विकल्प की जरूरत है और लोकदल उस विकल्प को देने के लिए प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश की जनता को एक विकल्प देगा, क्योंकि प्रदेश की जनता परेशान है। कल अखिलेश से परेशान थी, आज भाजपा से परेशान है, दोनों ही में कोई अंतर नहीं है। एक हिंदू की बात करता है, दूसरे मुसलमान की बात करते हैं, दोनों जाति और धर्म में बांटकर सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, किसानों का मुद्दा हो, पूरे का पूरा देश इतना पीछे जा चुका है, प्रदेश इतना पीछे जा चुका है कि प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी पीछे हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी लोक दल के, इनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में सभी लोग जाति और भगवान की आस्था के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोक दल अपने जनता के हित के लिए लड़ेगी, लोकदल इनसे आस्था नहीं रखती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम आदेशों पे ही राम का मंदिर बन पाया था और जिन्ना से प्रभावित अखिलेश हो सकते हैं लोकदल नहीं। हालांकि ये समय बताएगा कि छोटे दल से लेकर बड़े दल सभी ने अपनी ताकत झोंक दी है, जनता किसे चुनेगी ये समय बताएगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि शायद जनता के हितों की बात कोई ना कोई ज़रूर करेगा। लखनऊ से विवेक के साथ दानिश्वर सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।